Good morning students, now we will continue with exercise 5.2। ये exercise 5.2 में हमें एक ही फॉर्मूला है, only one formula that is finding out the nth term, right? तो एक फॉर्मूला क्या है और किस तरह सम्स करना है, right? वो देख लेते हैं। वो एक फॉर्मूला ये है कि if suppose a given series is given, right? A1, A2, A3 ... an। तो अगर आपको nth टर्म फाइंड करना है तो यू विल राइट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस दैट इज फर्स्ट टर्म एन माइनस वन डी, राइट? डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन इज द nth टर्म। आपको जिस टर्म को ढूंढना है वो वाला, बस ये एक फॉर्मूला आपका पूरा एक्सरसाइज है, राइट? आपको ये चैप्टर में गिन के 3 फॉर्मूला याद रखना है, right? उसी फॉर्मूला को अलग अलग रेट से आपको यूज करना है। तो वी विल हेल्प यू आउट। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, राइट? तो वापस बोल रहा हूँ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन दैट इज द nth टर्म ऑफ द ए बी, राइट? तीनों दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ, एन दिया हुआ और हमको ए एन दिया हुआ। एक्सरसाइज 5.2, ओके? एक्सरसाइज 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप देखें तो सिर्फ इसमें पहले वाले में, उसमें फर्स्ट वाले में क्या दिया है? ए इज इक्वल टू 7, डी इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 और ए एन इज इक्वल टू 9, राइट? हमको फॉर्मूला एक ही है, दैट इज ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ओके, तो अगर यहाँ ए एन ढूंढना है तो हमको ये डायरेक्ट वैल्यू डालना है, राइट? दैट इज 8 माइनस 1 3। ये आपको क्या आएगा? 7 प्लस 7 into 3, that is 7 plus 21, that is 28, बराबर। ये आपका पहला आंसर। वैसे ही अगर आप सेकेंड वाला देख लेते हैं, हम कलर चेंज कर लेते हैं, राइट? सेकेंड वाला है a इज इक्वल टू -18, बराबर, और d फाइंड करना है और फिर उसके बाद n इज इक्वल टू 10 और an इज इक्वल टू 0, राइट? लेट्स डू an इज इक्वल टू a प्लस, हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है, राइट? n माइनस डी, दैट इज n इज इक्वल टू 0 दिया है, -18 दिया है, प्लस 10 माइनस 1, दैट इज क्या आएगा? 9 इंटू डी कितना दिया है? डी हमको फाइंड करना है, उसको रहने दीजिए, राइट? देयरफॉर आपको क्या आ जाएगा? 9d इज इक्वल टू +18, क्योंकि उस बात चला जाएगा। देयरफॉर d इज इक्वल टू 18/9 और ये आपको आएगा 2, राइट? कैंसिल करेंगे तो 9×2 सा, राइट? तो d इज इक्वल टू क्या आएगा? 2। ओके, वैसे ही हम लोग थर्ड सम करते हैं दूसरे पेन से। ओके, चलो थर्ड सब में अगर देखें तो ए ढूंढना है, राइट? और फिर डी इज इक्वल टू -3, फिर एन इज इक्वल टू 18 और ए एन इज इक्वल टू -5, राइट? चलो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, राइट? ए एन क्या दिया है? ए एन दिया है -5 इज इक्वल टू ए ढूंढना है प्लस 18 - 1 क्या हो जाएगा? 17 इंटू -3, आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, दैट इज -5 इज इक्वल टू ए -51, राइट? और 51 उस बच जाएगा तो ए इज इक्वल टू 51 -5। देयरफॉर ये इज इक्वल टू क्या आएगा? 6 और 4, 46, राइट? तो ये इज इक्वल टू 46। वैसे अभी 4 सम करते हैं, दैट इज दूसरे पेन से। ये इज इक्वल टू क्या है माइनस 18.9, ये इज इक्वल टू माइनस 18.9, डी इज इक्वल टू 2.5, ओके, और एन ढूंढना है। फिर उसके बाद ए एन इज इक्वल टू 3.6, राइट। चलो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला रहेगा। फिर इसके बाद आराम से करना 3.6 इज इक्वल टू, देखिए मैंने इस तरह सम किया है ना, आपको क्या नोटबुक में नीचे करना है, क्योंकि मुझे मेरे पास टेबलेट है तो इस बात कर रहा हूँ, राइट। तो 3.6 इज इक्वल टू माइनस 18.9 प्लस एन तो ढूंढना है हमको, तो एन माइनस 1 वैसे ही लिखेंगे और 2.5 यहाँ लिखेंगे, राइट। अभी ये माइनस 18.5 पहले उस पर जाएगा, तो 3.6 प्लस 18.9 हो जाएगा, दैट विल गिव एन माइनस 1 2.5, ओके। चलो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में हुआ। अब 18.9 कितना हो जाएगा 15, दैट इज 112.1, that is 225, right? अब 225 is equal to n minus 1 2.5, अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए अपॉन 10 इंटू 25 का ऊपर चला जाएगा 10, that is n minus 1, ओके। अच्छा ये अभी क्या करेंगे 10 10 कट हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो 5 5 जा 5 4 जा 5 5 जा, दैट इज 5 9 जा। अब एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9 आया, तो एन इज इक्वल टू क्या आएगा, देयरफॉर एन इज इक्वल टू 10, ओके, एन इज इक्वल टू 10। अब यही चीज लास्ट सम करते हैं हम लोग फिफ्थ नंबर का सम है, ए इज इक्वल टू 3.5, डी इज इक्वल टू 0, फिर एन इज इक्वल टू 10.5। फिर उसके बाद हमको क्या ढूंढना है, ए एन ढूंढना है, बस वैल्यू डाल दीजिए, राइट। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ओके। तो यहाँ मैं लिखता हूँ यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, ए एन हमको ढूंढना है, तो ए एन इज इक्वल टू 3.5 प्लस एन कितना भी होवे, देखिए फायदा इसमें ये होता है 10 माइनस 1 जीरो है, जीरो के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, देयरफॉर ए एन इज इक्वल टू 3.5 इज दी आंसर, ओके। आई होप यू गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 2 3 4 एंड 5 मैंने अलग अलग पेन से लिखा है, आप देखें, इसको क्लिक करना है तो क्लिक कर लीजिए, ओके, या तो आराम से दूसरी बार देखिए। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल गेट बैक टू यू, ओके। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ए में क्या दिया है, ए दिया है 97, बी दिया है 77, सी दिया है -77 और डी दिया है -87, ओके। चलो लेट स्टार्ट नाउ। 30th टर्म ढूंढना है तो हमको देखिए ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला आएगा, इसमें हम लोग ए 30th देखेंगे, दैट इज ए दिया हुआ है राइट 10, यहाँ पे ए 10 हो जाएगा प्लस राइट। अच्छा यहाँ पे ए इज इक्वल टू 10 ये लिख दीजिए और d इज इक्वल टू 7 माइनस 10, दैट इज 3, राइट, ये लिख देने का, ओके। हाँ सॉरी 7 माइनस 10, d इज इक्वल टू 7 माइनस 10 इज इक्वल टू -3, ओके। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। a 30 10 प्लस n माइनस 1, 30th टर्म तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 1 और d है -3, राइट। देयरफॉर ये 30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 into minus 3, that is minus 29 into 3, right? ये हो जाएगा. This will give 10 minus 3 9s are 27, 2 3 2s are 6, 87. तो 10 minus 87 हो जाएगा minus 77, right? अब ये minus 77 क्या था? Therefore our answer is C. राइट, ये लिख देना है. वैसे ही अभी नेक्स्ट सम करते हैं सेकंड वाला. राइट, पेन चेंज कर लेते हैं. ओके, अब यहाँ पे 11th टर्म ऑफ ए बी, 11th टर्म ऑफ ए पी क्या दिया है? -3 फिर -1/2 फिर 2 फिर ... राइट, वापस 11th टर्म है. इसमें ये क्या है? ए इज इक्वल टू 28, बी इज इक्वल टू 22, सी इज इक्वल टू -38 और डी इज इक्वल टू -48.5. डी इज इक्वल टू -48.5, दैट इज 48.5. राइट, नाउ लेट्स सी ए इज इक्वल टू क्या है? ए इज इक्वल टू -3 और डी इज इक्वल टू आएगा -1/2 -3, that is -1/2 +3, that is -1 +6/2. तो -1 +6/2 क्या हो जाएगा? 1 + 6/2. -1 + 6/2 क्या हो जाएगा? That will become 5/2. राइट, अब ये जो है हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है. an is equal to a plus n minus 1d. राइट, हमको ढूंढना कौन सा है? 11th टर्म, दैट इज a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10. ये क्या हो जाएगा? 10 और d है 5/2. राइट, तो 2 × 5 = 10 हो जाएगा. दैट इज a11 इज इक्वल टू -3 प्लस 25 और ये दैट इज यू विल गेट 22. राइट, देयरफॉर आंसर इज क्या है? b. ओके स्टूडेंट्स, सो यू गॉट इट. तो क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ खत्म हो गया. लेट्स मूव टू नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस. राइट, बॉक्स दिया है पहला वाला 2 और एक बॉक्स और 26. हमको क्या ढूंढना है? बॉक्स ढूंढना है. वैसे 5 सम है. लेट अस डू वन बाय वन. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सम है 2 और 26. राइट, ये सब यहाँ पे देखें. अगर a इज इक्वल टू, यहाँ देखें तो अगर a इज इक्वल टू 2 दिया है, बराबर है. फिर उसके बाद ये जो लास्ट an रखें तो ये 26 दिया है और n इज इक्वल टू 3. ये फॉर्मूला से हम करते हैं. ठीक है, तो हमारे पास खाली सेकंड टर्म नहीं है. मतलब अगर हमको d मिल जाता है तो ये फॉर्मूला से हो जाएगा. लेट अस सी a3 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. ये वाला फॉर्मूला से करते हैं. a3 कौन है? a3 है 26 इज इक्वल टू a2 है और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2d हो जाएगा. दैट इज 2d इज इक्वल टू 24. तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12. राइट, तो d इज इक्वल टू 12 हो जाएगा. अब ये d इज इक्वल टू 12 मतलब सेकंड टर्म आपको पता है. राइट, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d. तो ये क्या हो जाएगा? a2 इज इक्वल टू आपको ढूंढना है ना, तो ये है 2 प्लस 12 कितना आ जाएगा? दैट इज 14. आई होप यू गॉट इट. इजी है ना? ओके, नाउ लेट्स डू सेकंड वाला. राइट, लेट्स चेंज द पेन. अब यहाँ देखिए पहला ही जो है बॉक्स दिया है कमा, फिर उसके बाद 13, फिर ये वापस बॉक्स, फिर उसके बाद 3, राइट। यहाँ भी हमको यही करना है, ए नहीं है राइट, हमारे पास डी भी नहीं है क्योंकि क्या है ए 2 माइनस 7 हो जाएगा ना, फिर उसके बाद 3 और ये लास्ट 1 2 3 4 n इज इक्वल टू 4 मालूम है और ये 4 इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है राइट। नाउ लेट्स सी, अब ये a4 इज इक्वल टू ये प्लस 4 माइनस 1 d, ओके। तो a4 क्या है 3 a प्लस 3d। अब यहाँ आपको ध्यान देना है कि जो d है वो कुछ भी नहीं, ये प्लस 3 13 माइनस a है, बरोबर, एम आई राइट। a 2 माइनस 7 हुआ ना, दैट इज d। तो 3 माइनस a इज इक्वल टू, एक मिनट रबर से ही कर लेते हैं, 3 माइनस a इज इक्वल टू आपको क्या हो जाएगा 39 माइनस 3a, ये इस बाजू ले जाइए, माइनस ए प्लस 3a इज इक्वल टू 39 माइनस 3, दैट इज 2a इज इक्वल टू 36, दैट इज ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, एम आई राइट। तो ये इज इक्वल टू 18 आ गया, तो दैट इज a2 माइनस a1, दैट इज 13 माइनस 18, क्या हो जाएगा -5 आएगा राइट। अब आपको a3 इजी रहेगा, a3 इज इक्वल टू 13 माइनस 5, क्या हो जाएगा 8। तो a3 इज इक्वल टू 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 आ गया, और a4 ऑलरेडी दिया हुआ है, सो आवर सम इज डन, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ लेट्स मूव टू दी क्वेश्चन नंबर थर्ड का ओके। बॉक्स दिया है, फिर उसके बाद वापस बॉक्स दिया है, फिर उसके बाद 9.5 मतलब 9.5 राइट। तो 1 2 3 4, अगर n इज इक्वल टू 4 ले लेते हैं और ये 4 इज इक्वल टू 9.5, दैट इज 9.5, ये इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, खाली d ढूंढना है आपको, चलो ढूंढ लेते हैं ना। a4 इज इक्वल टू a प्लस 4 माइनस 1 d, ये रख लेते हैं। a4 क्या है दैट इज 9.5 प्लस n है 3d, तो 9.5 माइनस 5 इज इक्वल टू 3d, दैट इज 4.5, दैट इज 3d। तो d इज इक्वल टू क्या आएगा 4.5 डिवाइडेड बाई 3 राइट। अब ये आ जाएगा d इज इक्वल टू 1.5, देयरफॉर d इज इक्वल टू 1.5। अब d इज इक्वल टू 1.5 आ जाएगा, आपको इजी रहेगा। अब ये हो जाएगा a2 इज इक्वल टू a1 प्लस d राइट, ये हो जाएगा 5 प्लस 1.5, क्या आ जाएगा 6.5। a3 इज इक्वल टू क्या आएगा 6.5, a3 इज इक्वल टू a2 प्लस d, दैट इज 6.5 प्लस 1.5, कितना आएगा 6 7 और ये 8 राइट। और d a4 तो दिया हुआ है, और इस तरह आपका आंसर है, ओके। तो वी हैव डन सॉल्व ऑल 3 सम्स। तो अभी 4th नंबर का कैसा दिया है -4, फिर बॉक्स 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 और 6 दिया है। तो अगर आप देखो ना a1 a2 a3 a4 a5 a6, तो अगर मैं n इज इक्वल टू 6 लिख दूं राइट, a इज इक्वल टू -4 लिखता हूं, d हमको पता नहीं तो ढूंढ लेते हैं, चलो फॉर्मूला रखें, दैट इज a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 d राइट। चलो ये हो जाएगा a6 का तो क्या है 6 है, और ये -4 है, ये 5d हो जाएगा, दैट विल गिव 10 इज इक्वल टू 5d। तो d इज इक्वल टू क्या आ गया टू आ गया राइट। अब ये d इज इक्वल टू 2 आ गया तो आपको बहुत इजी हो जाएगा राइट। तो ये क्या हो जाएगा देखिए a2 इज इक्वल टू a1 माइनस 4 प्लस 2 क्या हो जाएगा दैट इज माइनस 2 हो जाएगा राइट। तो पहला आंसर आ गया। a3 इज इक्वल टू माइनस 2 plus 2 that is 0. a4 is equal to वापस 0 plus 2 that is 2 और a5 is equal to 2 plus 2 that is 4 right. So the terms are ये minus 2 0 2 और 4 okay. Now let's do the last sum. देखिए 1 2 3 4 5 6 वापस 6 टर्म्स है दैट इज एन इज इक्वल टू 6 लास्ट टर्म a6 माइनस 22 है। अब हमको फाइंड करना है दैट इज a6 इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d। यहाँ पे अभी ध्यान देना आप लोग राइट। ऐसे टाइम पे हम लोग लिखेंगे माइनस 22 ये हमें पता नहीं तो हम ये लिखेंगे राइट। ये बनाएगा माइनस 20 ये क्या है 6 सॉरी n है 6 माइनस 1 और d क्या लिखेंगे बताइए d लिखेंगे a2 माइनस 1 दैट इज 38 माइनस a। देखो अब ये आपको समझना है क्योंकि क्या है हमारे पास a1 भी नहीं था a2 खाली दिया है तो ये a2 माइनस a1 d होता है तो उसकी जगह पे ये लिखेंगे। अब आराम से करना आप माइनस 22 इज इक्वल टू ये 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस 5 38 माइनस ए ओके। चलो माइनस 22 माइनस ए दैट इज 5 8 44 5 3 15 90 और माइनस 5a। अब माइनस 5a इस पर जाएगा तो माइनस ए प्लस 5a इज इक्वल टू 190 प्लस 22 ओके। चलो अब ये हो जाएगा 21 तो दैट इज 53 आ गया ये। अब ये आ गया तो आपको सब आ जाएगा राइट। तो ये इज इक्वल टू 53 मतलब a1 कितना हुआ 53 राइट। चलो a1 इज इक्वल टू 53 राइट। अब d इज इक्वल टू हमको ढूंढना है तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 दैट इज d इज इक्वल टू कितना है ये 38 माइनस 53। अब ये क्या आएगा d इज इक्वल टू 8 है ना तो माइनस 13 तो माइनस तो ये आ जाएगा 5 13 का 5 आ जाएगा तो 4 में वही 1 दैट इज माइनस 15 हमारा d है। अब एक एक करके हमको ऐड करते जाना है राइट। तो पहला वाला हमारा आ गया 53 सेकेंड वाला 38। अब a3 इज इक्वल टू बस ऐड करते जाओ 38 प्लस 15 की जगह पे अब क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा दैट इज 3 38 और में से 3 हो जाएगा 3 में से हो जाएगा 2 हो जाएगा 23 हो जाएगा दैट इज a3। देखिए ये हो गया। अब a4 इज इक्वल टू 23 वापस माइनस 15 कर दो क्योंकि हमको प्लस करना है लेकिन हमको d माइनस 15 है तो ये हो जाएगा 23 का रहा 18 राइट। ये हो जाएगा 8 दैट इज a4। अब फिर उसके बाद आ गया a5 इज इक्वल टू 8 माइनस 15 तो ये हो जाएगा a5 इज इक्वल टू माइनस 7 राइट। देख लीजिए माइनस 7 माइनस 15 माइनस 22 लास्ट टर्म आ जाएगा राइट। तो इस तरह अगर आप देखोगे आराम से करोगे आपको सब आंसर मिल जाएगा। अगर आपको फर्स्ट और सेकेंड टर्म कंजिक्यूटिव टर्म्स दिए हैं तो ही आपको इस तरह करना है, बरोबर। नहीं तो आप आराम से डी इज इक्वल टू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे मैंने फर्स्ट टू सेकंड थर्ड सम किया वैसे भी कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। चलो लेट्स now let's do question number 4. Which term of the AP 3.38 13 18 is 78? देखिए यह ये दिया हुआ है, ये इज इक्वल टू क्या है 3, b इज इक्वल टू 8 माइनस 3 क्या हो जाएगा दैट इज 5. ओके, अभी हम लोगों को n नहीं पता है और 78, राइट। तो लेट अस टेक n, n इक्वल टू ढूंढना है क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ए एन ले लेते हैं 78 को, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ओके, अब ये 78 रहेगा, ए तो 3 दिया हुआ है, एन माइनस 1 तो आपको बोला ढूंढना है और डी है 5. ओके, दिस विल गिव 78 माइनस 3 दैट इज एन माइनस 1 का 5 और दिस विल बिकम 75 और नीचे आ जाएगा 5 तो हो जाएगा n माइनस 1. अब ये हो जाएगा 25 ना, तो ये सॉरी तो ये हो जाएगा 15 दैट इज n माइनस 1. तो n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 that is n is equal to 16th term, right. Therefore 16th term is 78. okay, बस ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 5 is find the numbers of terms in each of the following APs. अब नंबर ऑफ टर्म मतलब n ढूंढना है, राइट सर। तो पहला सम है 7 13 19 205. पहले जो चाहिए वो लिख लीजिए, ये इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है, डी इज इक्वल टू 13 माइनस 7 क्या आएगा दैट इज 6, राइट। और ए एन हम लोग लिख लेते हैं 205 को, राइट। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी दैट इज 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 डी कितना है 6, फिर से वही है 205 माइनस 7 दैट इज n माइनस 1 6 लिख दो दैट इज ये हो जाएगा 8 बराबर और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 दैट इज n माइनस 1 अगर मैं यहाँ पे 6 लेके आ जाऊँ तो। ओके, अब 198 अपॉन 6 को अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 3 18 और 6 3 18 और n इज इक्वल टू 33 प्लस 1 दैट इज 34. Therefore, here the number of terms is equal to 34. ओके, चलो अब दूसरा नंबर सम करते हैं, क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 2 से करेंगे। ये इज इक्वल टू 18, डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15.5 माइनस 18 क्या आएगा बताइए दैट इज 2.5 दैट इज माइनस 2.5, राइट। और ए एन तो है दैट इज माइनस 47. नाउ लेट्स सी an is equal to a plus n minus 1 d. ओके, तो यहाँ पे माइनस 47 ऐसे लिखते हैं और a तो ऑलरेडी 18 है प्लस n माइनस 1 वैसे ही लिखना पड़ेगा और ये बनेगा माइनस 2.5 आराम से ठीक है। अब ये माइनस 47 को अगर मैं वापस माइनस 18 से करूँ तो ये आएगा n माइनस 1 माइनस 2.5. चलो ये हो जाएगा 15 1 दैट इज 5 और 6, राइट माइनस 65. अब माइनस 65 को नीचे आ जाएगा माइनस 2.5. ओके दैट इज n माइनस 1 माइनस माइनस कट हो जाएगा. ओके, और ये बन जाएगा 650 अपॉन 25 क्यों, क्योंकि 2.5 था तो 10 ऊपर चला जाएगा दैट इज 20, राइट। अब 25 का यहाँ देखिए n-1 इज इक्वल टू 650 अपॉन 25 राइट। 5 के टेबल से करो, चलो 5 1 जा 5 1 3 और ये 0 राइट। और n-1 वापस 5 के टेबल से करें, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 फिर 6 26 आ जाएगा। ओके चलो n-1 इज इक्वल टू 26 और n इज इक्वल टू 27। Therefore, the number of terms is are 27. Okay, the number of terms कितना है 27. Let's go to question number 6. Now let's continue with question number 6. Check whether -150 is a term of given AP 11 8 5 2 कंटिन्यूस राइट। हमको ये चेक करना है कि -150 इस एपी को बिलोंग करता है कि नहीं राइट right? फिर से पहले सबसे पहले ए इज इक्वल टू लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू 11, डी इज इक्वल टू 8 - 11 क्या आएगा दैट इज -3। और फिर उसके बाद हमको क्या ढूंढना है, लेट्स सी हमको ये ढूंढना है कि -150 बिलोंग करता है कि नहीं, और अगर बिलोंग करता है तो कौन से टर्म पे। तो सपोज ए एन इज इक्वल टू -150 लिख लेते हैं। चलो लेट्स सी ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 डी। ओके अब -150 इज इक्वल टू 11 प्लस एन -1 डी इज इक्वल टू कितना है -3। ओके -150 - 11 इज इक्वल टू n - -3 दैट इज 161 -161 इज इक्वल टू n - 1 - 3। अब n - 1 इज इक्वल टू -161 अपॉन -3 कट हो गया। अच्छा ये इसको अगर हम कट करेंगे तो ये बनेगा n-1 इज इक्वल टू 3 5 जा 15 1 तो 11 हो गया, 3 3 जा 9 फिर 2 मतलब डेसिमल, 3 6 जा 18 18। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज n कैन नॉट बी फ्रैक्शन, बराबर है फ्रैक्शन या तो डेसिमल। तो क्या है हेंस लिख दो -150 does not belongs to given AP इतना लिखा। ओके बस दिस इज योर सम। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द 31st term of an AP उस 11th term is 38 and 16th term is 73। अब यहाँ उन्होंने ना ए दिया ना डी दिया राइट, डायरेक्ट उन्होंने टर्म दिया है। तो लेट अस सी यर यहाँ पे लिखिए यर ए 11 इज इक्वल टू राइट ए प्लस 10 डी आएगा क्योंकि 11 - 1 कितना हो जाएगा 10 तो ए प्लस 10 डी। तो ए प्लस 10 डी आपको दिया है कितना 38 इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। वैसे ही सिमिलरली राइट ऐसा 16th टर्म तो ए 16 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी आएगा राइट दैट इज 73 इज इक्वल टू ए प्लस 15 डी बराबर। अब ये इक्वेशन नंबर इसको ऐसा लिख लीजिए ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयरिंग या तो फिर एलिमिनेटिंग राइट, सब्ट्रैक्टिंग क्योंकि ये सेम है तो सब्ट्रैक्टिंग एलिमिनेशन किया हुआ है हम लोग ने। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 आराम से करो राइट दैट इज ये 10 डी इज इक्वल टू 38 फिर ए 15 डी इज इक्वल टू 73 राइट। माइनस करना है तो आराम से करो दिस इज माइनस माइनस माइनस, ये कट हो जाएगा, दिस विल गिव यू -5d बराबर -5d, यहाँ पे मिलेगा 13 का ये हो जाएगा 5, 6 का ये हो जाएगा 3, दैट इज वापस -35, देयरफॉर -5d इज इक्वल टू -35, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -35 अपॉन -5, देयरफॉर इज इक्वल टू minus minus cut, that will give d. Therefore d is equal to 7. अब d is equal to 7 आ गया, आपको ये ढूंढना है, चलो putting the value in कहीं भी, राइट पहले वाला ही ले लेते हैं, ये प्लस 10d इज इक्वल टू 38, अब d हमको आ गया तो ये प्लस 7t बराबर इज इक्वल टू 38, तो ये इज इक्वल टू क्या आएगा, ये इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो ये इज इक्वल टू 70 का क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 6 में से 3 का तो 32, दैट इज -32. ओके, दिस इज योर आंसर. अब ये और डी मिल गया, ये इज इक्वल टू -32 एंड डी इज इक्वल टू कितना है 7. Therefore हमको क्या ढूंढना है 31st. Therefore ये 31st is equal to ये plus 30d. Okay, so this is -32 plus 30 into 7. That is plus 210. ओके, अभी 210 से माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 7 और ये 178, राइट 178 का हो जाएगा 80 और ये 210. सो A31 इज इक्वल टू 138, राइट, ये आपका आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड. राइट, नाउ लेट्स डू दी क्वेश्चन नंबर 8. ओके, क्वेश्चन नंबर 8. इन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स. टोटल कितने टर्म्स है 50 टर्म्स, ऑफ व्हिच थर्ड टर्म इज 12. Right, यहाँ पे A3 is equal to 12, right, and the last term is, अब ये last term कौन सा हुआ 50th term, right, ये देखो कैसे confuse करते हैं, आपको ध्यान देना है, right, total term starting में बता दिया और यहाँ पे लिख दिया last term, तो you will get confused, right, तो ध्यान देना. तो now A3 is equal to A plus 2D, ये लिखना है ना, okay, तो ये 12 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, ये लिख दिया, इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं. ओके, चलो वैसे ही A50 इज इक्वल टू ए प्लस 49d. ओके, तो A50 कितना दिया 106, तो 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d, इक्वेशन नंबर 2. नाउ subtracting 1 from 2, right, तो ये क्या करेंगे हम लोग 106 इज इक्वल टू ए प्लस 49d. ओके, दिस विल गिव 12 a plus 2d. okay, so this will give minus, ये तो कट हो गया और 49d में से 2d गया तो 47d. ओके, और यहाँ पे आपको मिलेगा 6 में से 2 गया तो 4, 10 में से 1 गया तो 9, राइट, therefore 47d is equal to 94. तो d इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा, राइट. आप देखिए d इज इक्वल टू 2 आ गया, देयरफॉर a क्या हो जाएगा पुटिंग दिस वैल्यू, ऐसा लिखना है पुटिंग दिस वैल्यू इन 12 इज इक्वल टू a प्लस 2d. d कितना है 2, दैट इज 12 माइनस 4 इज इक्वल टू a. Therefore, a is equal to कितना 8. Okay, b इज इक्वल टू 2 है, a इज इक्वल टू 8 यार, a इज इक्वल टू 8 एंड b इज इक्वल टू 2, देयरफॉर क्या ढूंढना है हमको 29 टर्म, ये 29 इज इक्वल टू ये प्लस 28d, ओके, और ये 29 इज इक्वल टू ये कितना है 8 मिला प्लस 28 का 2 से मल्टीप्लाई, राइट, देयरफॉर 8 प्लस 56 देयरफॉर 64, ये 29 क्या है, देयरफॉर 29th टर्म is 64. Okay, so this is your answer. I hope you got it. Okay, let's go to the question number 9. Chalo, now question number 9. If the third term and the ninth term of an AP are 4 and minus 8, बराबर, यहाँ देखिए क्वेश्चन कैसे अलग अलग आते हैं. इसके पहले वाले सब में आपको बता देते हैं कि ये टर्म ये है, इसका वैल्यू ये है, ये टर्म का वैल्यू ये है. अब वापस मिक्सअप करते हैं, वो जो सेंटेंस है वो चेंज होता है. थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म साथ में लिख दिया, फिर उनका आंसर लिखा है, थर्ड टर्म का 4 पहले लिखा है और नाइन्थ टर्म का -8. तो विच टर्म ऑफ द एपी इज 0. अब ये ढूंढना है कि 0 कब आता है, तो 0 कौन सा टर्म बनता है. लेट अस सी यार थर्ड टर्म मतलब a3 इज इक्वल टू ये प्लस 2d, बराबर, थर्ड टर्म दिया है 4, तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2d, इक्वेशन नंबर 1. वैसे ही नाइन्थ टर्म दिया है तो ए 9 इज इक्वल टू यहाँ पे एंड डाल दीजिए, ए 9 इज इक्वल टू ए प्लस 8d लिखो. 9 वैल्यू क्या दिया है -8 इज इक्वल टू ए प्लस 8d 2, राइट. अब सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2 या तो 2 फ्रॉम 1, जैसा भी आपको करना है कर सकते हैं, बराबर. तो -8 प्लस ये आपको ये भी बता देता हूँ कि आप a प्लस 8d इक्वल टू -8 लिखेंगे तो भी गलत नहीं है. स्टूडेंट्स बी कॉन्फिडेंट, कभी भी कुछ फॉलो मत करो, क्यों वाई खुद को पूछो, राइट, then only you will get that confidence. तो -8 is equal to a plus 8d लिखा है, तो a plus 8d is equal to -8 वैसा भी लिख सकते हैं. तो let us write that way only so that आप लोगों को भी confidence आएगा, right. -8 लिखा तो ऊपर वाला क्या लिखूंगा, a plus 2d is equal to 4, right, ओके. चलो ये साइन चेंज होगा, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कट हो गया, 8d में 2d गया तो आ गया 6d, और -8 -4 you will get -12, therefore 6d is equal to -12, तो d is equal to क्या आएगा -2, ओके. अब putting this value ये लिखिए, putting this यहाँ पे आपको ऐसा होता अलग कर देता, putting this value, ओके. तो 4 इज इक्वल टू ए प्लस 2 -2 दैट इज -4 हो जाएगा, तो 4 इज इक्वल टू ए -4 ही आ जाएगा, तो 8 इज इक्वल टू ए, और ए इज इक्वल टू क्या आएगा 8, तो ए इज इक्वल टू यार यहाँ पे लिख दीजिए यार ए इज इक्वल टू 8, d इज इक्वल टू -2. तो हमको 0 कौन सा टर्म है वो देखना है ना, तो an इज इक्वल टू a प्लस n -1d का फॉर्मूला लगाते हैं, यहाँ पे 0 लगा देते हैं, तो ये कितना है 8, n -1 तो हमें ढूंढना है, और ये -2 हो जाएगा, 8 इस बच जाएगा तो -8 इज इक्वल टू n -1 -2 हो जाएगा, -2 नीचे आएगा तो -8 अपॉन -2 दैट इज n -1 माइनस कट हो जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, देयरफॉर n -1 इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 5, देयरफॉर द फिफ्थ टर्म ऑफ गिवन एपी इज जीरो, बस ये लिख देने का। ओके, सो दिस इज योर आंसर, n इज इक्वल टू 5। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, the 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। देखिए ये आपको समझना है। 17th term exceeds मतलब more, right? तो ये लिख लेते हैं, ये 17 यार, ये 17 इज इक्वल टू ये 10 प्लस 7। अंडरस्टूड ऑल ऑफ देम, राइट? वापस बोल रहा हूं कि the 17th term exceeds its 10th term by 7, बराबर? तो that is 7 more। तो अब इसका वैल्यू रखते हैं, 17 का क्या आएगा, ये प्लस 16d, ओके, इज इक्वल टू ये प्लस 9d प्लस 7, ओके। तो ये कट हो गया, दिस विल गिव 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। तो ये कितना हो जाएगा, 7d इज इक्वल टू 7, देयरफॉर d इज इक्वल टू 7/7 और d इज इक्वल टू 1। बस यही आपका आंसर है। देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। Okay, so this is question number 10. So students, this video we are doing from question number 1 to 10, okay? क्योंकि मैं अगर 20 सम पूरे 20 सम्स करूँगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा वीडियो और आप बोरिंग फील करोगे। तो लेट्स डू इट 10 to 10, राइट? तो 1 to 10 एक वीडियो में, दूसरा 11 to 20 नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय टिल दैट, ओके। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों को, अपने स्कूल ग्रुप में, अपने अलग अलग ग्रुप में, फ्रेंड्स ग्रुप में, सो दैट उनको भी फायदा हो, राइट? बिकॉज मैं ऑलवेज ट्राई करता हूँ कि ईजी मेथड हो, बच्चों को समझ पड़े, राइट? सो दैट आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकें। चलो, ओके, बाय।